दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद यादव। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइंट पेन के बारे में, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द क्यों होता है। एक तो इसका कारण होता है गठिया, गाउट, दूसरा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं पिछले वीडियो में इसको डाला हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन चलनी चाहिए, ये सब मैं पिछले में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अभी हम लोग बात करते हैं इसको सिर्फ दवाओं से क्या सही किया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि अगर घुटने में दर्द हो तो कौन सी एक्सरसाइज करें जो कि घुटने के दर्द को बहुत जल्दी सब्साइड करेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, इस पे हाथ रख के एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। फिर ये फाइव टाइम करेंगे, फिर ये मूव करेंगे, इसको फाइव टाइम करेंगे। साथ में यदि घुटने में स्वेलिंग हो, बहुत सीवियर पेन हो, तो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फिर बैठ जाएंगे पीछे और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फाइव टाइम करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, घुटने को फिट को ये आगे की तरफ बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड करेंगे, फिर ये पीछे, फिर ये आगे, ये पीछे। इससे क्या होगा, मेरा ये जो सियाटिक नर्व है इस पे दबाव पड़ेगा और साथ ही साथ मेरे घुटनों पे भी दबाव पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर ए, 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 एक्सरसाइज करेंगे। फिर ये घुटने को पकड़ लेंगे अपने हाथों में और इसको मूव कर देंगे। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, थोड़ा बच्चों की तरह इसको प्यार कर लेंगे, खिला लेंगे। फिर ये दूसरे घुटने को सेम ऐसे ही करके मूव कर लेंगे। फिर चेयर ले लेंगे, आप लोग लकड़ी का चेयर यूज करें। और यदि बहुत ज्यादा स्वेलिंग ना हो, बहुत ज्यादा पेन ना हो, तो एक बालू की पोटली, आधा किलो बालू रख के इस पे रख देंगे और ये मूव करेंगे ऊपर। फाइव टाइम करेंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं फटाफट इस वीडियो को बना दिया, लेकिन आप लोग 20 मिनट तक एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छा फायदा होगा। थैंक यू।